तो सबसे पहले यह समझते हैं कि विवाह क्या है क्यों क्यों दो लोगों को जुड़ने की क्या जरूरत है हम कैलिफोर्निया में हैं और मैं गलती करने वाला था एक पुरुष और एक महिला को जुड़ने की जरूरत क्यों है मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता जब आप आठ वर्ष के थे आठ जब आप आठ वर्ष के थे तब आप में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी है ना आप अकेले ही खुश थे जो कोई भी होता था आप उनके साथ खेलते थे आप ठीक थे कुछ होने की जरूरत नहीं थी फिर आप चौदह पंद्रह के हुए शायद बारह तेरह चौदह पंद्रह मैं आजकल के दौर के हिसाब से उम्र तय कर रहा था धीरे आपके हार्मोन आपकी बुद्धि को हाईजैक करने लगे बुद्धि हाईजैक होने के बाद आपने जिसे भी देखा महिलाओं को सब कुछ एक तरीके से दिखने लगा पुरुषों को सब कुछ दूसरे तरीके से दिखने लगा अचानक पूरी दुनिया बदल गई हा? वही दुनिया पर अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप उन्हें वैसे नहीं देख पाते जैसे वे हैं उसके साथ हर तरह के मतलब जुड़ गए जो कुछ साल पहले मौजूद नहीं थे ये रसायनों या केमिस्ट्री की शक्ति है बस थोड़ा सा इस 50-60 किलोग्राम के शरीर में क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर इन शरारत करने वाले हार्मोन्स का वजन क्या है हर दिन कुछ मिलीग्राम क्या आप समझे ये कुछ मिलीग्राम केमिकल आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं आपके जीवन के बोध को बिल्कुल बदल सकते हैं है ना आप दुनिया के असली रूप को देख ही नहीं पाते आपकी पहचान आपके शरीर से इतनी जुड़ जाती है उस उम्र से पहले ऐसा नहीं था जब ये हार्मोन आपके खून में बहने लगे तब आपका एक पुरुष या एक महिला होना स्थापित हो गया तभी शरीर महत्वपूर्ण हो गया है ना जब आप बच्चे थे शरीर बस एक साधन था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था तो ऐसा होने के बाद आप अलग अलग तरीकों से सोचने लगे और आप सोचते हैं कि आप कई चीजें कर रहे हैं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकृति बस यही चाहती है कि आप किसी तरह से बच्चे पैदा करें चाहे आप एक गाना गाए या आप नाचें या कुछ भी करें प्रकृति मां इंतजार कर रही है कि आप बच्चे कब पैदा करेंगे हम अपने ही रंग जोड़कर इसे कई पारंपरिक रूप देना चाहते हैं पर मूल रूप से ये बच्चे पैदा करने का तरीका है That very gross. ये बहुत स्थूल और असभ्य लगता है पर प्रकृति कोई सभ्यता नहीं जानती सिर्फ समाज ही सभ्यता को जानते हैं है ना तो लोगों में ऐसी जरूरत है आप सबसे पहले यह देखिए कि क्या आपके लिए यह बहुत जरूरी है या उतनी जरूरी नहीं है मैं कहूंगा कम से कम 25 से 30 प्रतिशत लोगों को उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बस थोड़े समय की रुचि है तीस से चालीस प्रतिशत लोगों की रुचि थोड़ी लंबी हो सकती है वे ऐसा करते हैं दस साल बारह साल तक उन्हें अच्छा लगता है फिर उन्हें यह एक बोझ लगता है कुछ लोगों की जरूरत इतनी ज्यादा होती है उन्हें यह चाहिए 25-30 प्रतिशत लोगों को ज्यादा समय तक इसकी जरूरत होती है उन्हें ऐसी व्यवस्था में जरूर शामिल होना चाहिए सबसे बढ़कर आपको समझना होगा कि जैसे मन में यादें होती हैं वैसे ही शरीर में भी होती हैं इसे ऋणानुबंध कहते हैं आपने ऐसा शब्द सुना है भारतीय लोग ऋणानुबंध इसका मतलब है शरीर की यादें शरीर की अपनी यादें होती हैं अगर वो कुछ अनुभवों से गुजरता है तो वो याद रखता है और शरीर भविष्य में उन यादों के आधार पर प्रतिक्रियाएं देता है शारीरिक अंतर्गता से हमेशा ज्यादा यादें पैदा होती हैं और अगर आप में कई यादें छप जाएं, तो शरीर में एक भ्रम पैदा होता है आप जीवन में सब कुछ करने के बाद भी आनंदित होने का मतलब नहीं समझ पाएंगे आप सहज नहीं होंगे सिस्टम में सहजता नहीं होगी, क्योंकि वहां मेमोरी की एक जटिल छाप है such a way और इससे शरीर इतना भ्रमित हो जाएगा कि जीवन में बहुत परेशानी होगी ये सब समझकर हमने कुछ चीजें स्थापित की पर आज समाज में कुछ और ही हो रहा है आप शादीशुदा हैं तो भारत में जब शादी होती थी तब वे मंगल सूत्र बांधते थे हुँ? मंगल सूत्र यानी एक पवित्र धागा अगर यह ठीक से किया जाए तो इस धागे को एक खास तरीके से बनाया जाता है शायद आपको याद होगा कि हर साल नया मंगल सूत्र पहनना होता है आपको पता है हु? अब नहीं पहना जाता क्योंकि अब सोने की चेन पहनी जाती है पारंपरिक रूप से यह या तो एक तरीके से बना कच्चे सूत का धागा या कच्चे रेशम का धागा होता था क्योंकि यह एक विज्ञान है किसी की ऊर्जाओं को बदलने या इस्तेमाल करने का एक तरीका है इस तांत्रिक तरीके में नाड़ियां शामिल हैं आप नाड़ी का मतलब जानते हैं हमने इसकी बात की है बहत्तर हजार नाड़ियां आपके सिस्टम से एक नाड़ी ली जाती है और एक नाड़ी आपके मंगेतर के सिस्टम से फिर धागा तैयार करके बांध दिया जाता है अब जिस पल आपके शरीर जुड़ते हैं तब केवल शरीर नहीं मिलते तब दो लोगों की ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं इसे तोड़ा नहीं जा सकता इसे तोड़ने के लिए आपको उन लोगों को भारी नुकसान पहुंचाना होगा दो टुकड़े करने होंगे शादियां ऐसे कराई जाती थीं। बचपन में ही उनकी शादी हो जाती थी आठ नौ ग्यारह साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी पर उन्हें ऐसे बांधा जाता था कि वे कभी दूसरों को देखने की जरूरत महसूस नहीं करते थे बिल्कुल भी नहीं यह आज के लोगों को भयंकर लग सकता है पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उस स्थिरता की वजह से उन्हें शक्ति मिलती थी और वे अपने जीवन में जो चाहे कर पाते थे क्योंकि भावनाओं में असुरक्षा नहीं होती थी यह भारत में एक नई चीज है क्योंकि भावनाओं में असुरक्षा नहीं होती थी क्योंकि बहुत स्थिर बंधन होता है लोगों के मन में कभी ये विचार नहीं आता था कि क्या मेरा पति या मेरी पत्नी कुछ कर रहे होंगे ऐसा कभी नहीं होता था क्योंकि वे अंदर से ऐसे बंधे होते थे पर आज ये एक बेअसर रस्म बन गई है आज भी कुछ शादियां जो मैंने करवाई हैं हमने लोगों को ऐसे जोड़ा है और उनमें जबरदस्त तालमेल है आप देख सकते हैं कि कैसे दो लोग एक बनकर जीते हैं और दो लोगों के एक बन जाने में कितनी शक्ति है इसमें जबरदस्त शक्ति है तो हमने सोचा कि दो पैर उतने स्थिर नहीं होते चार पैर हमेशा ज्यादा स्थिर होते हैं तो हमने दो दो पैर आपस में बांध दिए दो पैर ज्यादा हमने साइकिल छोड़कर कार क्यों अपनाई स्थिरता के लिए हालांकि वो ज्यादा जगह लेती है ज्यादा महंगी और प्रदूषणकारी है पर हमने साइकिल की जगह कार चुनी क्योंकि कार ज्यादा स्थिर है उसे हमेशा संतुलित नहीं करना पड़ता शादी भी ऐसी ही है वरना आपको हमेशा संतुलन बनाना और कुछ न कुछ खोजते रहना पड़ेगा आप हमेशा आसपास के लोगों के साथ अपने भावनात्मक रिश्तों की असुरक्षा महसूस करेंगे तब आप इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं